हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है फिल्म फ्लैम व्लॉग में। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आज मैंने फिर से बना लिए हैं पत्ता गोभी के पराठे, जो मेरे बहुत फेवरेट हैं। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में मैंने बनाया था कुकुम्बर का रायता, और फिर बेटे को खाना था गार्लिक ब्रेड, तो मैंने उसके लिए फटाफट से गार्लिक ब्रेड बना लिया। तो उसने बोला, मम्मा आप भी साथ में एक पीस खा के दिखा दो व्लॉग में। तो मैंने बोला, चलो ठीक है, खा लेते हैं। फिर मैंने लंच की तैयारी की और मैंने फटाफट बनाया। ककड़ी का रायता मॉर्निंग वाला ही था, साथ में आलू गोभी बनाई थी। फिर मैंने बनाई थी पापड़ की सब्जी, साथ में ले लिया सैलेड, मिर्ची और ये मेरे मिक्स वाले आटे की रोटी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी हालत देख रहे हैं, मतलब मैं सवेरे से ना एक बार मिरर में देखती भी नहीं हूँ कि मेरे बाल कैसे हैं, क्या हैं। आप लोग बोलते होंगे ऐसे ही बैठ जाती आके। फिर इवनिंग स्नैक्स में मैंने ये फ्राई कर लिए थे, काफ़ी टाइम से पड़े थे, मैंने फ्राई नहीं किए थे, तो मैंने सोचा चलो आज इनको फ्राई कर लिया जाए। बारिश के मौसम में ऐसी कुरकुरी चीज़ें अच्छी लगती हैं। फिर रात में जब हस्बैंड आए तो वो फ्रेंकी पा मसाला पाव और ये मलाई पाव लेके आ गए, तो ये सब मैंने खा लिया। और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर ऑन कीजिए। ये जो है ये मलाई पाव है, इसके अंदर मलाई स्टफ़ होती है, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये हमारे घर के नियर ही, स्टेशन के नियर एक्चुअली मिलता है, तो वहाँ से लेके आए थे। और ये बन मस्का है, जो कि चाय के साथ खाया जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा था, क्रंची सा था, खाने में बहुत टेस्टी था। और फिर मैंने फ्रेंकी भी खा ली थी, सब खा लिया था, तो मेरा पेट बहुत भर गया था, तो इसलिए मैंने रात का डिनर स्किप कर दिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।